देखो मैं बड़ा हैरान होया है। एक पंजाबी अखबार में बड़ी बड़ी खबर लगी है और वक् वक् टीवी चैनलों के उपर भी। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका दे वलों जेड़े दोष लाए गए हैं। मैं बड़ा हैरान होया कि उन्होंने कहा कि सरना भरा श्रोमणी अकाली दल बादल नूं ज्वाइन कर रहे हैं। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल च कोई वड्डी जिम्मेवारी लैण दे ताक च है। उन्होंने लिखा है कि कोई करोड़ां रुपए की डील भी हुई है। बटे और इदा दे इल्जाम भी सामने आए ने ईडी नु लेके 10 करोड़ रुपए दी गल्लां भी कहियां जा हाँ, ये रहियां मैं ने। पढ़िया और मैं सुनिया भी है कि कोई वड्डी डील जिहड़ी है इहदे विच होई है। कोई ईडी ते सीबीआई का संभावित खतरा उस परिवार ते है कि सरना भरा नूं जिहड़ा ईडी ते सीबीआई दफ्तरां दे गेड़े मरवाए जा रहे हैं, तरीकां पै रहियां ने। कोई काफ़ी वड्डी जिहड़ी हैगी आ उह लैण देण दी वी गल्लबात जिहड़ी आ बादल परिवार नाल जिहड़ी उहनां ने लाया। मैं बड़ा हैरान होया, पर मैं इस गल्लों ज़्यादा हैरान हाँ कि सरना भरा जिहड़े हुण तक बादल परिवार के उत्ते निशाने ला रहे थे, उन्होंने पंथ का गदार कितों तक उन्होंने कहा, हुण तक जिहड़ा सीगा तुसीं भी पढ़िया ते सुनिया। पर मैनूं शक उसे दिन हो गया सी जिस दिन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बंदी सिंह की रिहाई वास्ते 11 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी, जिस च मैनों भी मैंबर पाया गया सी ते परमजीत सिंह सरना नूं भी पाया गया सी। पर जिस वेले मैं मीटिंग दे विच, इक्को ही मीटिंग हुई सी, दूजी मीटिंग धामी साहब ने सदी नहीं, तां मैं जदों सरदार सुखबीर सिंह बादल ते सवाल कीता और उन्हां नूं कहा सी कि सरदार बादल साहब जिहड़े तुहाडे राज विच बेअदबी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब दी ते इनसाफ मंगदे सिखां नूं गोलियां मारियां गईयां, सौदा साध नूं मुआफ़ी दित्ती गई, इस तरह दीयां गल्लां दा तुहानूं पंथ ते कौम नूं मीडिया नूं जवाब देणा पैणा। तां उस वेले सरना भरावां ने पुश्त पनाई कीती सी परमजीत सिंह सरना हुणां ने बादल सुखबीर सिंह बादल दी। मैं बड़ा हैरान होया सी उस मीटिंग दे विच। और मैं जिस वेले कहा कि चंगा हुंदा जेकर धार्मिक बंदियां दी कमेटी बनाई जांदी, पर चलो सिख धर्म विच मीरी पीरी दा सिधांत वी है पर धर्म नूं मुख रखिया जावे, तां उस वेले भी सरदार परमजीत सिंह सरना ने कहा सी कि श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान नूं असीं धार्मिक ही मन्नदे आं कि उह धार्मिक ही हुंदा। उस काट वेले काट कोई तां नहीं चल रही है लगदा है। उस वेले जिहड़ी पुश्त पनाई कीती गई ना, मैं सीधे शब्दां दे विच कहां कि जिहड़ी सुखबीर सिंह बादल दी चमचागिरी कीती गई, मैं उस तों बड़ा परेशान और हैरान होया कि सरना भरा जिहड़े हमेशा जिहड़ा सीगा बादल परिवार दे खिलाफ खड़दे हुंदे सी ते बादल विरोधी धिरां दे नाल घिओ खिचड़ी रहिंदे सी, हमेशा मेलजोल रखदे सीगे शुरू तों, पर हुण इस वेले इहो जिहा की होया? बादल परिवार ने इहो जिहा की चंगा कर दित्ता कि जिहदे करके अज सरना भरा बादल परिवार की बेड़ी च चढ़ रहे ने, जदों के बादल परिवार की बेड़ी चो सारे तो साला मार रहे, जिहड़े उन्हां दे अपने नाल सीगे वह भी साला मार के बाहर निकल रहे आ, क्योंकि जो उन्होंने पिछले समय के अंदर पंथ ते पंजाब दा मर्यादावां दा घाण कीता। पर सरना भरावां नूं की चंगा लगा इह तां सरना भरा ही दस सकदे आ, पर मैं इस गल तों बड़ा हैरान हाँ। मेरी हैरानी की हद नहीं है कि वह सरना भरा अज बादलों के बेड़े च किस तरह सवार हो रहे आ, पर जो उन्होंने सरदार कालका साहब ने जिस तरह गल्लां कीतियां ने उन्होंने सुन के मैं होर बड़ी हैरानी हुई। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਨਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखो नैक्सट मीटिंग जी सरदार धामी साहब ने कोई सदी नहीं, जे नैक्सट मीटिंग कोई सदी जाती होंगी असी ना जाते तो फिर गुनाहगार साबित कर सकते किसी ने रब्ता ही नहीं किया। जदों जदों कोआर्डीनेटर वो सीगे कमेटी हैड वो सी, उन्होंने ही अगली मीटिंग सदनी सी, पर उन्होंने कोई मीटिंग सदी नहीं, सानू बुलाया नहीं,
उन्होंने आप ही कमेटी कदों भंग कर दी ये भी नहीं पता लगा। मुड़ के वो दिल्ली भी दो साबका प्रधान जिहड़े दिल्ली कमेटी दे उन्होंने लैके केजरीवाल के बार अगे चले गए, साबका प्रधान नूं प्रधानमंत्री नूं मिलण लई चिट्ठी लिख दित्ती, तां ही ना अज तक प्रधानमंत्री ने समा दिता ते ना गृह मंत्री ने समा दिता। उन्होंने आप ही कमेटी भंग करके आप ही ताकत खेरू खेरू कर दी। वो सुखबीर सिंह बादल नूं इग्नोर नहीं कर सके, उस कमेटी चो बाहर नहीं कर सके, पर उन्होंने पंथ की कमेटी का ही भोग पा दिता है। बड़े दुखान की गल है। बिल्कुल मैं मीटिंग के दौरान ही अपना लिखती जिहड़ा सुझाव ते तराज दिते सी कि जिन्हां ने बंदी बनाए आ उन्हां नूं बंदियां की कमेटी च पैण का की हक आ, क्योंकि जदों बापू सूरज सिंह ने बंदी सिंघां की रिहाई 2015 च मंगी सी ते उस वेले उन्होंने किहड़ा कोई गुनाह किया, कोई क्राइम किया बापू सूरज सिंह ने? उन्होंने बंदी सिंह सजावां पूरियां कर चुके जिहड़े उन्हां दी रिहाई मंगी सी। तां सरदार सुखबीर सिंह बादल उस वेले होम मिनिस्टर सी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सी, मुख्यमंत्री दा ही सारा काम देखदे सी। इन्हां ने बापू सूरज सिंह नूं ही उन्हां दे घर तों चक के DMC हॉस्पिटल उन्हां नूं जिहड़ा सीगा बंदी बना दिता, DMC हॉस्पिटल नूं ही जेल बना दिता। ते उदों दे अज तक बापू सूरज सिंह जेल जां मैनूं सुखबीर सिंह बादल एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी जवाब देण के बापू सूरज सिंह नूं बंदी किने बनाया, उन्हां नूं किसे ने भी रिहा नहीं किया। उदों दे बंदी बनाए हुए बाद च कैप्टन अमरिंदर सिंह रहा, बाद चरणजीत सिंह चन्नी रहा, हुण भगवंत सिंह मान आ, पर बापू सूरत सिंह अज भी बंदी सिंह आ। ते बनाया किन्हां ने? बादल परिवार ने। ते जिन्हां ने बनाया उन्हां नूं बंदी सिंघां दी रिहाई दी कमेटी दे विच पाउण दा की हक आ, रहण दा की हक आ? इह तां शैतान कुरान दियां आयतां पढ़े वह गल आपां कह सकदे हां। सो इस कारण करके मैं हैरान हाँ कि अज जिहड़ा बंदी सिंह बनाउण दा दोषी आ, बेअदबी दे दोषी ने, बेअदबी दे दोषियों नूं बचाउण दे दोषी ने, इंसाफ मंगदे सिखां नूं गोलियां मारन दे दोषी ने, सौदा साहब दी पुश्त पणाई करन दे दोषी ने, उहनूं माफ़ीनामे देण दे दोषी ने, अज कि साबण ते शैंपू दे नाल उन्हां ने इशनान कर लिया कि अज सरना भरावां नूं सुखबीर सिंह बादल पंथक लगन लग गया ते उन्होंने अकाली दल बादल विच जाण दी तैयारी कर ली। मैं बड़ा इस गल तो हैरान हाँ। दिल्ली दियां सिख संगतां सरना भरावां कोलों इस गल का जवाब जरूर मंगणगी।